इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सेट 24.2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत कर लेते हैं। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? मतलब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, उसके बारे में वितरण किस तरह किया गया है, कौन से भारतीय संविधान के अनुसूची में किया गया है? तो 7वें अनुसूची में ही इसका विवरण और वितरण कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, हरमाइकोडा ओरोयाकोडा, इसको बोलते हैं हरमाइकोडा शिखर, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पूर्वी घाटी के पर्वत शिला में, मतलब पर्वत श्रृंखला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, कनौज का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो कनौज का युद्ध मुगल और शेर शाह के बीच में हुआ था, उस समय शायद हिमायू राजा थे मुगल बादशाह के। क्वेश्चन नंबर 29, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज कैनाल बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में स्वेज नहर जोड़ती है किसको किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णत गति की घटना, घूर्णत गति की घटना का निरीक्षण डैश द्वारा किया जाता है, मैग्नस प्रभाव के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुंच बनाने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इसको बोलते हैं नेट ग्रिड, ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको बोलते हैं एनसीआरबी, के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 32, 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने किस वर्ष नोबल शांति पुरस्कार जीता था? वो कौन सा वर्ष था? तो 1989 था, इसी साल में नोबल पुरस्कार जीता। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य सरकार द्वारा मास्क न पहनने वालों के लिए रोक टोक का अभियान शुरू किया गया था? तो मध्य प्रदेश ने ही रोक टोक शुरू किया था, मध्य प्रदेश पुलिस ने, सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित दादा साहेब फलगे पुरस्कार 2020 पुरस्कार जीता है? उसका नाम है केजांग दी थोंगडोक, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस देश ने धन की देरी का हवाला देते हुए चबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर करने की घोषणा की है, कौन सा देश है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ईरान, नहीं बोला है कि हम भारत को बाहर कर देंगे, कोई बात नहीं, ईरान की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? गरीब निर्धनता से संबंधित विषय से ही इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 37, डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आपको बतानी है तो राजधानी है असगाबाद, उसकी राजधानी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन ए सगुन फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? लेखक का नाम है रस्किन बॉन्ड, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 39, हैटचिट इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक इफ द बलिस्ट का लेखक कौन है? तो उसका लेखक है स्क्रिटन बॉन्ड, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस वित्त संस्था ने अपने 29वें संस्थापक दिवस के अवसर पर अपना पहला डिजिटल चौपाल आयोजित किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 का आंसर हो जाएगा नबाइड संस्था ने ही अपना चौपाल लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 41, फुटबॉल क्लब मोहन बंगाल एथलीट्स क्लब द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? अशोक कुमार को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, किस आईआईटी ने
आपस के प्रवेश को कोविड मुक्त बनाने के लिए एक प्रवैज्ञानिक जिसको बोलते हैं यूवी सैनिटाइजिंग उत्पाद शुद्ध विकसित किया था। तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, आईआईटी कानपुर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 43, सीएपीएफ के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? अमित शाह के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत की पहली पूरी किस भारतीय राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरफोर्स कार पार्किंग की शुरुआत की थी? तो एयरफोर्स पर एक पार्किंग की शुरुआत करना था ना, जहां पर कार लाकर अपना कोई लगा सकता है, तो इसका नाम था जीएमआर गुजरात में नहीं, हैदराबाद से है, जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय मूल के चैन संतोखी को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो भारतीय मूल के चैन संतोखी को मतलब वहां के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो कौन सा देश है जो चुना है उसको? सुरिनाम ही अपने राष्ट्रपति बनाना चाहता है भारत के एक चैन संतोखी को। क्वेश्चन नंबर 46, खिलाड़ी मर्कस रशफोर्ड मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, वह किस देश और किस खेल से जुड़े हुए हैं? वो कौन सा खेल खेलता है? तो फुटबॉल खेलता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? 47 का आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्य जीवन अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अवशिष्ट के ऊर्जा नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया है? फिर से सुनो, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अवशिष्ट के ऊर्जा नामक एक पहल की शुरुआत की है, मतलब उसके बारे में बात की है, वो कौन सा राज्य है जो बोल रहा है कचरे से हम बिजली बदलने का फैसला शुरू करेंगे, कचरे से बिजली बनाएंगे? तो पहला राज्य है उत्तराखंड, आंसर डी। और उत्तराखंड में बहुत बड़े बड़े पैमाने पर कचरा का जो गोदाम होता था जिसमें प्लास्टिक वगैरह सब है, उससे एक बिजली बनाने का वहां पर ग्रिड लग रहा है जहां पर बिजली बनाया जा सकता है। अगले भाग में पढ़ेंगे पार्ट बी, तर्क शक्ति। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।